बच्चों, क्या आप बाजार जाते हो? क्या आप बाजार से सामान खरीदते हो? अगर कभी आपका सामान खराब निकले तो क्या आप बदलवाते हो? अगर दुकानदार सामान बदलने से मना कर दे तो आप क्या करोगे? क्या आपको मिलावटी सामान मिलता है? बाजार में सामान खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। बाजार में सामान खरीदने वाले को क्या कहते हैं? बच्चों, उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्या उपभोक्ता के कुछ अधिकार हैं? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का पाठ 5 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है या उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की तथा स्थायी वस्तुएं हो सकती हैं, जबकि सेवाएं जिसमें यातायात, बिजली, थिएटर आदि शामिल है, जिनके लिए भुगतान करके सेवा ली जाती है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने में अंतर है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, अर्थात जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उसके खरीदने से पहले हम उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई टीवी खरीदा तो हम उसको चलाकर देख सकते हैं, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ये सब हम पहले से जांच कर सकते हैं। परंतु जब हम कोई सेवा लेते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद ही आपको पता चलता है कि ये सेवाएं कैसी थी। जैसे आपने यातायात में किसी तरह की सेवाओं के लिए भुगतान किया, जब तक आप उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर लेते तब तक आप उनके विश्वास के आधार पर ही उस सेवा को लेते हैं। वस्तुओं को खरीदकर हम कम समय या अधिक समय तक उपभोग कर सकते हैं, परंतु सेवाओं में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने यह जाना कि उपभोक्ता कौन होता है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद का इस्तेमाल करता है तो वह भी बाजार में भागीदार बन जाता है। उपभोक्ता के बिना हम किसी कंपनी के अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। उपभोक्ता के इतने महत्व के बावजूद उपभोक्ता को अपने सही अधिकार नहीं मिल पाते हैं। आपका वास्ता अक्सर ऐसे दुकानदारों से पड़ा होगा जो बेईमानी करते हैं। वे या तो सामान का वजन कम देते हैं या सामान में मिलावट करते हैं। यदि आपने उनसे इसकी शिकायत की तो वे कई बार आपसे झगड़ा करने लगते हैं और आपको ही गलत ठहराते हैं। जब कभी आप रेलगाड़ी से सफर करते हैं तो वहाँ की खाने की सेवाओं को लेते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार उस खाने की क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता बहुत खराब होती है। उसके बदले आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ट्रेनों की पेंट्री में ज़्यादातर खराब खाने की शिकायत होती है। इसी तरह
बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बेचा जाने वाला सामान कई बार बाजार की अपेक्षा ज्यादा महंगा होता है। उत्पादक और उपभोक्ता की ये लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है। आपने अखबार के माध्यम से कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ा होगा जिसमें आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चला होगा कि वे उत्पादक अच्छी गुणवत्ता का सामान नहीं दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। दवाओं में मिलावट, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट, दूध में मिलावट, आज के समय में तो आपको पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य में कटौती की गई है, परंतु गरीब लोगों को अपने हिस्से का अनाज भी कई बार नहीं मिल पाता है। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नीम हकीमों ने अपना जाल फैलाया हुआ था। अखबारों के विज्ञापन और टेलीविज़न चैनलों के जरिए ये अपना प्रचार करते थे और सीधे साधे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते थे। न्यायालय के द्वारा कदम उठाए गए, सरकारों को नोटिस भेजा गया ताकि इस तरह के जालसाजों को रोका जा सके। पहले के समय साहूकारों द्वारा ज़्यादा ब्याज लगाकर लोगों से अधिक धन वसूलने की परंपरा को रोकने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए। ऐसे साहूकार मजबूर लोगों को ब्याज चुकाने के लिए ज़मीन बेचने को भी मजबूर कर देते हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु अनेकों नियमों की बात की गई। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पर कार्य करने के लिए लंबा संघर्ष किया जिससे इन नियमों का अनुपालन हो सके। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता को सही नियमों के अनुसार वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए कानून द्वारा उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां चालाकी से बाजार को प्रभावित करती हैं। वे उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मीडिया और अन्य तरीकों से गलत सूचना देती हैं। एक कंपनी ने यह दावा किया कि मां के दूध से उनका उत्पाद बेहतर है। इसी आधार पर उन्होंने इस उत्पाद को कई वर्षों तक बेचा। काफ़ी वर्षों के संघर्ष के बाद कंपनी ने यह स्वीकारा कि दावे झूठे हैं। इसी तरह सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से यह बात मनवाने में कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण है, इसके लिए न्यायालय में लंबी लड़ाई चली। लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से भी खेल जाते हैं। बच्चों, क्या इस तरह के उत्पादों पर रोक लगा देनी चाहिए? आप इस पर जरूर विचार विमर्श करें। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है। आओ इन पर विचार करें। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है? क, उचित वजन से कम वजन तोलना। ख, अतिरिक्त शुल्क जोड़ देना। ग, मिलावटी या दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना। घ, उपरोक्त सभी। उत्तर है घ, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न, अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगता हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा था। बच्चों, आप अपने अनुभव से किसी भी उत्पाद जिससे आपको लगा हो कि इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है पर चर्चा कर सकते हो। अगला प्रश्न, आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? क, उपभोक्ता की सुरक्षा के नियम बनाए जाएं। ख, फ्रॉड कंपनियों पर शिकंजा कसा जाए। ग, गलत विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। घ, उपरोक्त सभी। उत्तर घ, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 और 70 के दशक में हुई थी। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई उपभोक्ता किसी ब्रांड से संतुष्ट नहीं होता था तो वह उसे खरीदना बंद कर देता था। लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत और अन्य देशों को कई वर्ष लगे। खाद्य पदार्थों की कमी, सामान को जमा करके रख लेना, कालाबाजारी और खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उस समय इस प्रकार के आंदोलन का मतलब केवल अखबारों में लेख लिखना और प्रदर्शनी लगाना होता था। अभी कुछ वर्षों से इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच असंतुष्टि इतनी अधिक हो गई कि लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सरकार ने भी काफी लंबे समय के बाद उपभोक्ताओं की सुध ली। इसका परिणाम ये निकला कि 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को लागू किया गया। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल संस्था बनाई। यह 115 देशों से भी अधिक की 220 संस्थाओं का संरक्षक बना। यह आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यवसाय के तरीकों को सुधारने के लिए सरकार और कंपनियों पर दबाव डालने में सफल हुआ। आओ इन पर विचार करें। प्रश्न एक, उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? क, अनुचित कार्यों को रोकना। ख, सड़क यात्री परिवहन में भीड़ भाड़ को रोकना। ग, सरकार पर दबाव। घ, क और ख। सही उत्तर है घ। प्रश्न दो, नियम और कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है क्यों? क, जागरूकता की कमी। ख, अनुचित व्यवसाय शैली। ग, साक्षरता की कमी। घ, उपरोक्त सभी। उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए रेजी मैथ्यू के पिता ने बहुत संघर्ष किया था। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था। वो टॉन्सिल निकलवाने के लिए केरल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर उसका ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण
रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने चिकित्सक की लापरवाही और गलती के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने पर्याप्त सबूत नहीं है कहकर मामला खारिज कर दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय समिति में अपील की। जांच के बाद चिकित्सक को लापरवाही का दोषी पाया गया और उसे हर्जाना देने का निर्देश दिया। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें खरीदने से पहले हमें उसकी सुरक्षा की विशेष जांच कर लेनी चाहिए। कई बार इस तरह की चीज़ें दुर्घटना का कारण बन जाती हैं, जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, अगर वो खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। सेफ्टी वाल्व बनाने वाली कंपनी को इसकी गुणवत्ता निश्चित करनी चाहिए और सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे इनकी पर्यवेक्षण उचित रूप से हो। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित उत्पाद सेवाओं पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाइयाँ, खाद्य तेल, विवाह पंडाल, एक बहुमंजिली इमारत। बच्चों, आपने इन उत्पाद या सेवाओं पर चर्चा करके इनके सुरक्षा नियमों को बनाना है, जिसका पालन करके किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। अगला प्रश्न, अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार विमर्श करें। किसी घटना की चर्चा करके उसके कारणों का पता लगाना है, जिससे आपको पता चला हो कि उसका उत्पादक ही जिम्मेदार है। उत्पादक अपने प्रोडक्ट के लिए कितना महत्व देता है ये उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सुरक्षा के मापदंडों को वह कितना पूरा करता है, उपभोक्ता के लिए यही सबसे बड़ा विश्वास होता है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु से संबंधित सभी जानकारियां आपको उस पैकेट पर मिलेंगी। उसको बनाने में प्रयोग की गई सामग्री की सूची, मूल्य, बैच नंबर, उसके बनाने की तारीख और उसके खराब होने की तिथि और वस्तु बनाने वाले का पता लिखा होता है। उस वस्तु को प्रयोग करने के निर्देश भी दिए होते हैं। अगर आपने कोई दवा खरीदी है तो उसके प्रभाव और उसके खतरों की भी जानकारी दी हुई होती है। यह नियम क्यों बनाया गया कि उत्पादक को ये सारी जानकारी अपने उत्पाद पर देनी होती है, क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी पर शिकायत कर सकता है और वस्तु को बदलने या मुआवजा पाने की मांग कर सकता है। इसी तरह कोई भी
लिखे हुए मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर अगर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP द्वारा लिखा होता है। सरकार ने सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इस कानून द्वारा सभी नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सारी जानकारी प्रदान की जाती है। एक उदाहरण द्वारा इस कानून के महत्व को समझ सकते हैं। अमृता नाम की एक युवती जो इंजीनियरिंग में स्नातक थी, एक सरकारी विभाग में सभी प्रमाण पत्र जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने सूचना पाने के अधिकार नियम का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उचित समय तक उसको जानकारी पाना उसका अधिकार है, जिससे वह भविष्य की योजना बना सकें। उसको ना केवल रिजल्ट अर्थात परिणाम की देरी से घोषणा के कारणों के बारे में सूचना दी गई, बल्कि उसको नियुक्ति पत्र भी मिल गया क्योंकि उसका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार अच्छा हुआ था। आओ इन पर विचार करें। एक, जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे हुए मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें। दो, कुछ डिब्बा बंद वस्तुओं के पैकेट को लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बा बंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है? चर्चा करें। तीन, लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब RTI अर्थात सूचना पाने के अधिकार का कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिए। तीनों ही अलग अलग केसों में आपने अपने अपने विचार रखकर सही निष्कर्ष निकालना है और बताना है कि उपभोक्ता अपने अधिकार का कैसे उपयोग कर सकता है। बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि उपभोक्ता को बाजार में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। हमने यह भी पढ़ा कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं। फिर हमने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के बारे में चर्चा की। वस्तुएं खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए यह भी जाना। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। पाठ का शेष भाग हम भाग दो में करेंगे।